न्यूज हेडलाइंस पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी। बुलंदशहर में हाथरस जैसा गैंगरेप, दुष्कर्म के बाद किशोरी की हुई हत्या, पुलिस ने लाठी, जेल का डर दिखाकर आधी रात में कराया अंतिम संस्कार। यूपी में गांव वालों ने 10 दिन में बीजेपी के 9 नेताओं को दौड़ाया, अपने ही वोटर्स पर करानी पड़ी FIR। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, कार में मिली 1000 जिलेटिन स्टिक और 1000 डेटोनेटर। देश में 24 घंटे में 1,61,000 नए संक्रमित मरीज, लगातार दूसरे दिन संख्या 2,00,000 से कम, पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे। संसद में आज पेगासस पर हंगामे के आसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में सबसे पहले बोलेंगे राहुल गांधी, 12 घंटे चलने वाली बहस की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में इंदौर में 3, भोपाल में 2 मरीजों की मौत, राजधानी में 100 से ज्यादा बच्चे संक्रमित, विदिशा में ओमिक्रॉन की एंट्री। मध्य प्रदेश में तय समय पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं, 12वीं के 17 और 10वीं के 18 फरवरी से होंगे पेपर। मध्य प्रदेश में गायों की मौत पर पशु संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष बोले, 20 रुपए में गाय का पेट नहीं भरता, 2 साल से यह राशि भी देरी से मिल रही। रीवा कलेक्टर का हुआ तबादला, मनोज पुष्प होंगे रीवा के नए कलेक्टर, इलैया राजा टी का जबलपुर हुआ ट्रांसफर। और मऊगंज को छोड़ सभी रेंज के जंगलों में मिले तेंदुए की मौजूदगी के प्रमाण, 45 बीटों में कराया गया वन्य प्राणियों की संख्या का आकलन।